उससे ना बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, मैं अपना लाइसेंस ही ऑलमोस्ट भूल चुकी थी। सो फाइनली ट्रक में बैठ चुकी हूँ। मैनुअल नहीं है ना, सेमी मैनुअल है, फुल ऑटोमेटिक है। अगर मैं ढंग से गेट भी खोलूँ ना पूरा, तो ये इसको टच हो रहा है जाके। एवरीवन वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वेल वैसे मैं अपनी कार में बैठी हूँ, एज यूजुअल काम पर जाने लगी हूँ। और पता है कल से ना यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, अभी बस थोड़ी सी रुकी है, लेकिन कल से इतनी बारिश हो रही थी ना, इतनी ज़्यादा, पूरा दिन होती रही कल तो। अभी मैंने पंच इन कर लिया है, ट्रक में आके बैठी हूँ, ट्रक स्टार्ट भी कर लिया है। मैं बाहर का वेदर देख रही थी कि कितना पानी पानी, पूरा मतलब ऐसे ना गीला सा हो रहा है, सारे सबके ट्रक गीले हो रहे हैं। और बहुत अच्छा वेदर है वैसे तो, मुझे बहुत पसंद था, इंडिया में तो बहुत पसंद था ऐसा वेदर। एज यूजल इतने सारे ट्रक यहाँ पे खड़े हुए हैं जैसे कि रहते ही हैं, शायद सामने वाला कोई ट्रक है जो अभी चला गया होगा काम पे। काफी ट्रक अभी भी खड़े हैं बट लोग भी बैठे हैं। अगर उस ट्रक में देखो तो अंकल बैठे हुए हैं एक। मुझे ना अभी अपनी कार में जाना पड़ा बिकॉज मैं लाइसेंस कार में भूल गई थी। सो, अभी लेकर आई हूँ और अपने ट्रक के पास जा रही हूँ। ये ट्रेलर है, इसको मुझे अभी ना हुक करना है बस। मैंने अंदर तो कर दिया है लेकिन उतने में मुझे याद आया कि मेरा लाइसेंस मैं भूल गई हूँ कार में। अभी इसको ना हुक करने लगी हूँ पहले। इस ट्रेलर और इस ट्रेलर के बीच में इतनी सी भी जगह नहीं है ढंग से कि मैं जाके अच्छे से उसको टर्न कर, मतलब उसका वो हैंडल ऊपर कर सकूँ। अगर मैं ढंग से गेट भी खोलूँ ना पूरा, तो ये इसको टच हो रहा है जाके। पता नहीं कैसे लगाया है ना, एक प्रॉपर स्पेस भी नहीं छोड़ा है जिनने भी यार्ड में लगाया होगा। आराम से उतरना पड़ रहा है, ग्लव्स ले लेते हैं। बिल्कुल ही इतना कम स्पेस, अगर मैं पीछे जाके इसका गेट चेक करने की कोशिश करूँ तो बहुत मुश्किल है। बस दोनों ट्रेलर ना पीछे से ऐसे हो गए हैं, मतलब ऐसे। समझ नहीं आ रहा मैं किधर खड़े होकर लगाऊँ ना। दोनों के बीच में स्पेस तो है ही नहीं, तो इसमें फ्यूल भी भरवाना पड़ेगा, डीजल। इससे भी टकरा गया ये, सही तो है ना। आज काफी टाइट है ये इसका। ऐसे लगाना है, well, अभी ना मैं ब्रोमोंट जा रही हूँ, वही वाला रास्ता जो अराउंड 80-90 किलोमीटर्स फार अवे यहाँ से। और आज मुझे ना ये जाने का, मतलब पूरे लास्ट वीक मुझे एक भी मौका नहीं पड़ा कि मैं ब्रोमोंट जाऊँ। मुझे डिस्पैचर ने एक भी बार नहीं दिया ब्रोमोंट का, बट इस वीक में स्टार्टिंग में ही दे दिया। सो खुश भी हूँ मैं थोड़ा सा, बिकॉज ब्रोमोंट जाना थोड़ा ईजी है, थोड़ा रिलैक्स रहता है। थोड़ी लाइट वाइट चेक कर लेती हूँ पहले। इंडिकेटर वाली लाइट्स चल रही हैं, पीछे की लाइट्स चेक कर लेते हैं। सारी लाइट्स वर्क कर रही हैं, ये भी काम कर रही है, ठीक है, ऑल सेट। लॉक ढंग से लग गए हैं, बाकी इसके रजिस्ट्रेशन मैंने चेक कर ली है, तो ऑल सेट टू गो। अब बस चलते हैं, पहले फ्यूल भरवाते हैं फिर ब्रोमोंट निकलते हैं। ये मेरा है फ्राइडे का पेज, और अब जब मंडे को स्टार्ट करना है तो पहला पेज फ्री रखना पड़ेगा, मतलब उसमें सिर्फ 2 डेज का ऑफ डाल के, फिर उसके अगले पेज से ना 2 डेज का ऑफ डाल के इसमें से इसके अगले पेज से आज का स्टार्ट करूँगी। तो पहले इसका भर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे गैराज में आई हूँ, यहाँ पर ही मेरा नया वाला ट्रक खड़ा हुआ है। सो मैं पहले उसको जाके इसको अनहुक करती हूँ, इसको ट्रेलर से अलग करके, और अपने वाले उसको ट्रक को इसके साथ हुक करती हूँ फिर।
मेरा नया ट्रक और अब इसको पहले इसमें सारा सामान रख लेती हूँ, फिर बाद में इसको ट्रेलर के साथ हुक करूंगी। फाइनली आज इस ट्रक पर स्टार्ट कर रही हूँ काम और इसे पहले हुक करने लगी हूँ अभी। तो अभी मैं अपने इस नए ट्रक पे बैठ चुकी हूँ, इसको हुक कर दिया था मैंने और अभी मैं इसको चला रही हूँ। इसको चलाना तो अलग ही एक्सपीरियंस है अभी तो, बिकॉज उस वाले ट्रक से सीधे इसको चला रही हूँ। काफ़ी स्मूथ लग रहा है चलाना ना, काफ़ी अच्छी फील आ रही है चलाते हुए कि हाँ चलो बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है चलना, मतलब स्मूथ है चलाना ना, उतना वो नहीं हो रहा, प्रॉब्लम नहीं हो रही। बाकी तो थोड़ा सा चला कर ही पता चलेगा ना कि इसमें एवरीथिंग इज ओके कि नहीं, है ना। अब देखो फीलिंग तो बहुत अच्छी आ ही रही है ना। बट पता क्या हुआ है कि जब मैं वहाँ से निकली अपने उस मतलब जहाँ से इसको मैंने चेंज किया अपने इस वाले ट्रक को और पुराने ट्रक को, तो पुराने ट्रक में से ना मैं वो फ़ोन होल्डर लाना ही भूल गई जो मैंने यहाँ लगा रखा था ना अपने पुराने ट्रक में। अभी मेरे को अपनी फ्रंट की वीडियो नहीं बना पाऊँगी अभी फ़िलहाल, वो मैं शाम को जाते हुए जब घर जाऊँगी काम ख़त्म करके तब मैं उसको वहाँ से निकाल के लेकर आऊँगी ना, कार से जाऊँगी तब वहाँ से निकाल के लेकर आऊँगी। फिलहाल तो अभी मैं सिर्फ ऐसे ही वीडियो बना सकती हूँ। मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ ब्रोमन जाने में, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरे को ट्रक भी चेंज करना था ना आज। मैं पहले सोचा था उसमें फ्यूल भरवा लेती हूँ ना, फिर मैंने कहा जब ये है ही इसमें फ्यूल भी आधे से ज़्यादा ही है ना, तो इट्स गुड कि ये वाले को यूज़ करूँ आज मैं। अब ना मैं आप लोगों को अपना पूरा ट्रक दिखाने लगी हूँ ढंग से। तो ये है मेरा ट्रक, ठीक है, वो लिखा अपना नाम सरनेम तिवारी, वॉल्वो का ट्रक है। अब अंदर से आपको दिखाती हूँ। पता है इसकी सबसे अच्छी बात मैं पहले आपको बताऊँ, इस वाले में ना ये वाली सीढ़ियाँ यहाँ पर है, पुराने वाले में ना उधर से चढ़कर मतलब ऐसे चढ़ के ऐसे आना पड़ता था, बट इस वाली में ये सीढ़ियाँ हैं और ये पकड़ने का है, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है। और ढंग से पहले आप लोग आगे से देख लो, ढंग से लग रहा है ना अच्छा। आ गए ट्रक के अंदर, अभी वो सारा सामान ना मैंने पुराने ट्रक में से निकाला है तो इसे मुझे अरेंज करना है ढंग से, करते हैं वो थोड़े टाइम तक। अभी जो पेपर मिले हैं कंपनी से उसे यहाँ रख देती हूँ, ट्रक को बंद कर देते हैं। सो ये है अपना ट्रक, अभी इसे थोड़ा सेट करना है सामान इधर उधर करके, बिकॉज मुझ पर टाइम नहीं था इसलिए मैं ऐसे ले आई। यहाँ पे ELT लगेगी रखी हुई है वो पीछे, उसे लगाना है। और ये अपना चाय वाय रखने के लिए जो थर्मस है इसमें अभी ये रखा है, इसे ऊपर रख दूंगी। ये भी अपना सही है जगह, जुगाड़ सही है इसमें, आई थिंक फोन आ जाएगा सही से ना। सो ये है अपना ट्रक, थोड़ी सी सफाई अंदर से करेंगे, बाकी गुड टू गो हो गया। मैं ना बहुत एक्साइटेड थी इस ट्रक के लिए ना, काफ़ी दिनों से एक्साइटेड थी कि चलाऊं इसको, फाइनली चलाऊं, और आज फाइनली वो दिन आ गया जब मैंने इसको चलाया। मुझे बहुत ही स्मूथ लगा चलाने में ना, मतलब बहुत ही इजीली चल रहा था जैसे, क्योंकि वो ट्रक जितना पुराना था और जितना उसका मतलब काम होने वाला था ना उसके, उसको चलाते टाइम मुझे फील होता था कि मैं कुछ मतलब बहुत टफ सा चला रही हूँ ना, लेकिन इसको चलाते टाइम कुछ फील ही नहीं हुआ और इतनी इजीली मैं यहाँ पर ब्रोमोंट आ गई 80 किलोमीटर। सो ये देखिए पूरा ट्रक को ढंग से। और मैं ना सोच रही हूँ इस ट्रक में बीच में कुछ तो अरेंजमेंट करूँ ना, इस बार मतलब इस वाले ट्रक में तो कुछ अरेंजमेंट किया जाए सोने के लिए। मुझे एक ने किसी ने बोला भी था कमेंट में, और मेरी मम्मी ने भी मुझे बोला था कि जैसे आप ट्रक में अंदर एंटर करो तो भगवान का नाम लेकर ही स्टार्टिंग करना। सो यस, मैंने भगवान का नाम लिया और उसके बाद ही मैंने ट्रक को स्टार्ट किया। सो मैं बहुत खुश तो हुई, ऑब्वियसली खुशी की बात है। वीडियो मैंने डाला था कि मेरा न्यू ट्रक ये, तो आप लोगों ने इतनी इतनी विशेस दी मुझे, इतनी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों की। सो डेफिनेटली लाइफ में आगे
काफी कुछ बड़ा होगा। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत सच्ची में धन्यवाद कि इतना आप लोग ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना मतलब आप लोग करते हैं। सो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग जो कमेंट्स में अप्रिशिएशन करते हो, मेरा इतना अप्रिशिएट करते हो, मतलब मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी होती है ना मुझे दिल से कि कितना लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं इस चीज के लिए कि आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो। और मतलब वाकई में ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है काम, मैं इसमें वो भी नहीं है, दो राय भी नहीं है, बट जो अप्रिशिएट मिलता है ना वो एक मतलब मेरे को ना एक स्ट्रेंथ है मेरी, आप लोगों का जो आप लोग मेरे को अप्रिशिएट करते हो, कमेंट्स में लिखते हो, एक स्ट्रेंथ मिलती है कि कुछ भी कर सकते हैं हम, है ना। एक अगर आप लोग ठान लो कुछ भी करना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, मैं अपना लाइसेंस ही ऑलमोस्ट भूल चुकी थी अपनी कार में, और मैं ट्रक लेके जाने ही लगी थी, और मैंने कहा अपना लाइसेंस देख लूँ, सारी चीजें मैं देख लेती हूँ ना कि हाँ सब कुछ परफेक्ट है, सारा कुछ है। और जब मैंने चेक किया, मेरा लाइसेंस नहीं था मेरे साथ ट्रक में, मतलब मेरे बैग में भी नहीं था। सो मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, बट थैंक गॉड ना कि मुझे लास्ट मोमेंट पे याद आ गया। रूमोट से ये ट्रेलर ले लिया है और अब स्विच हो चुकी है, और मतलब अब तो वापस ही जा रही हूँ ब्रोमोंट से मॉन्ट्रियल। अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है इसके साथ जाना ना, मतलब जैसा मैंने पहले बताया कि ये चलने में काफ़ी ठीक है, उस वाले ट्रक को चलाने के बाद इसको चलाने में जमीन आसमान का अंतर लग रहा है। वेल यहाँ पे बारिश काफ़ी आ रही है ना, मैंने मॉर्निंग में भी बताया था, मॉन्ट्रियल में तो आ ही रही है लेकिन ब्रोमोंट में मुझे लगता है कुछ ज़्यादा आ रही है बारिश। अभी कंपनी से ही निकली हूँ, बस हाईवे लूंगी यहाँ से लेफ्ट करके और उसके बाद मर्ज हो जाएंगे हाईवे में। लेफ्ट इंडिकेटर का दे दिया है, इसमें आवाज नहीं आती इंडिकेटर की ना अंदर, कि इंडिकेटर की दे रखा है या नहीं दे रखा है। ये मुझे बेस्ट लगा कि इसमें आवाज साउंड नहीं आता ना उतना, टिक 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 ऐसे करके। आज मैं अपना मतलब फ्रंट का नहीं ले पाऊंगी ना व्यू, बिकॉज मेरा जो फोन होल्डर है ना वो उधर रह गया, दूसरे वाले ट्रक में रह गया, जो मैं यहाँ लगा के अपने फ्रंट का व्यू भी ले लेती थी और इससे भी होता था। सो आज आप लोगों को मेरे एक्सप्रेशंस नहीं दिखेंगे, आज आप लोग ऐसे ही गुजारा करना वीडियो में, थोड़ा सा मुझे कम देखे। उसमें आदत है ना मेरे को कि ये अपने आप ऑटोमेटिक मैनुअल हो जाता था, तो इसमें भी मैं बार बार चेक करती रहती हूँ कि मैनुअल तो नहीं हुआ ना, बट मैं भूल जाती हूँ कि ये तो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है। सो वॉल्वो का ये ट्रक ऑटोमेटिक है, मैनुअल नहीं है ना, सेमी मैनुअल है, फुल ऑटोमेटिक है। वेल समर में ऑटोमेटिक बहुत अच्छे होते हैं, बट विंटर में ऑटोमेटिक अच्छे नहीं होते। सो विंटर में अच्छा है कि आपके पास मैनुअल हो, तो आप गियर मतलब डाउन गियर कम करके और कुछ भी करके आप स्नो से निकल सकते हो, बट ये अटक जाता है स्नो में जो भी ऑटोमेटिक होते हैं। पर ठीक है चलो, अभी मोस्टली तो यहाँ पर विंटर होती है, मतलब जो स्नो वाले टाइम है वो कौन से हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी, ये तीन महीने हैं जो बहुत हार्ड होते हैं ना, बाकी का टाइम तो चल जाता है काम। देखिए मैं आप लोगों को लास्ट टाइम ये व्यू दिखाती थी ना कि कितना वाइट वाइट है, सब कुछ बंजर है, अब कैसे हरी मतलब हरी सब कुछ हो गई ना, घास पूरी ग्रीन हो रही है, बिकॉज समर आ रहा है ना, तो घासें ग्रीन हो रही हैं, पेड़ फिर से बहुत प्यारे से पत्ते आएंगे इनमें, फिर से ये हरे भरे हो जाएंगे, और फिर जैसे ही ना अगस्त का टाइम आएगा, जुलाई अगस्त के आसपास, फिर इसके ना लीव्स मतलब जो पत्ते हैं ना पेड़ों के वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी मैं आ गई हूँ अपने अपार्टमेंट में और बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मतलब पूरे दिन बारिश होती है ना, दो दिन हो जाएंगे आज बारिश को लगातार होते हुए, उसकी वजह से ठंड हो गई है, मुझे पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। सो इस ब्लॉग की एंडिंग में यही करने लगी हूँ, एंड आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आएगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड बाय बाय फॉर नाउ।